हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही थी व्रत का खाना, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या बनाने जा रही हूं मैं। तो चलो आओ दिखाती हूं। सबसे पहले मैं यहां पे आलू ले ले रही हूं, क्योंकि मुझे बनानी है आलू की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज की। आलू वॉश कर लिए हैं अच्छे से, जैसे कि आपने देखा बहुत रगड़ रगड़ के वॉश किया, क्योंकि आजकल आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है। और कट करने के बाद भी एक बार धो ले रही हूँ आलू को, फिर उसके बाद ही मैं गैस पे चढ़ाऊँगी। कुकर ले रही हूँ यहाँ पे मैंने आलू को काट के दो पीस कर लिए हैं, ताकि आलू जल्दी उबल जाए। कुकर में जहाँ तक आलू आ रहे हैं वहीं तक आपको पानी रखना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। और ये मैंने चढ़ा दिया है कुकर गैस पे, और इसमें मैं लगाऊंगी 2 से 3 सीटी। पहले मंदिर खोल लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है। ये है मेरा प्यारा सा मंदिर, और उसमें मेरे क्यूट क्यूट से भगवान जी। और बस वापस आई किचन में और स्लैब साफ़ किया, उसके बाद मैंने निकाला दूध, और दूध की मैं बनाऊंगी खीर। इसमें और दूध ऐड कर लूँगी, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़े से चावल। ये चावल नॉर्मल जो हम खाते घर में वो वाला नहीं है, ये दूसरा चावल है, एकदम छोटा छोटा वाला जो आता है ना, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इससे बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो मैं ये छोटे वाले चावल यूज़ करती हूँ। धो लिया है चावल और साइड में रख दिया है पानी भर के उसमें। तब तक सब्जी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ये मसाला पेस्ट बना रही हूँ। बस मैं फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ। मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ टमाटो और थोड़ा सा अदरक, और उसमें मैंने डाली है 3-4 हरी मिर्च, और बस पेस्ट बना लिया है मैंने इसका। एक साइड में रख दूँगी इसको, तब तक आलू बॉईल हो रहे हैं और एक साइड में खीर चढ़ा रखी है मैंने, तो सोचा तब तक आटा गूंद लेती हूँ। और आटा गूंदने से पहले मुझे हमेशा ही अपनी रिंग उतारनी पड़ती है सारी। और एक साइड में दूध उबाला आ चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने चावल भिगोए थे धोकर, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है इस टाइम में, और बस मिक्स कर दिया है। और साइड में मैं आटा गूंद रही हूँ फटाफट से, क्योंकि इस टाइम शाम का टाइम है, तो बच्चे और उठ के दादी दादू दोनों सो रहे हैं, तो घर में इतनी शांति हो रही है, इसलिए मैं कम बोल रही हूँ। और जितना भी मेरा बर्तन का साउंड है, सीटी का साउंड है, वो आपको सुनाई देगा। चलो आटा गूंद गया है, तो इसको मैं एक साइड में रख दूंगी आधा घंटा रेस्ट करने के लिए, और आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं इसकी पूरी बनाऊंगी। और इधर देखो खीर हो रही है रेडी, और इसको घुमाते हुए देख रही हूँ चावल पके या नहीं पके। अब इसमें ऐड करूंगी मैं यहाँ पे घी, और घी ऐड करने से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जो खीर के जो चावल हैं वो चिपकते नहीं हैं आपस में। और इसमें ऐड करूँगी मैं काजू, और काजू को ऐड करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कूट लूँगी, साइज़ थोड़े छोटे हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। और इसी में साथ साथ मैं ऐड करूँगी छोटी इलायची कूट के, मैं इसका पाउडर ऐड नहीं करती हूँ, बस इसको कम आँच पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने सब्जी के लिए लिया है ये मोटा धनिया, इसको मैं कूट लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए मुझे। और ये उबल चुके हैं आलू, यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और एक साइड मैंने रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में मैं डालूँगी सरसों का तेल, और खीर काफ़ी देर से उबल रही है तो देख लेती हूँ, और उसमें डालती हूँ मैं यहाँ पर चीनी। और मैंने यहाँ पे डाला है सबसे पहले तेल में सब्जी के लिए लाल मिर्च, ये फ्लेवर के लिए जस्ट मैंने डाला है। और अब गरम गरम तेल में मैं यहाँ डाल दूँगी जो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर अदरक मिर्च का, और इसको पकने के लिए मैं इस तरीके से हिलाऊँगी। और ये जो बचा हुआ था इसमें भी मैंने पानी मिक्स करके वापस से डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, नमक मिर्च हल्दी, जितना भी जो भी मसाले होते हैं बेसिक, वो सभी डालेंगे। और मसाले तो मैंने सारे ही डाल दिए थे, बट बाद में मुझे याद आया कि मैं तो वीडियो शूट करने के चक्कर में नमक डालना ही भूल गई, और पहले मैंने ढक्कन लगा दिया था, बट फिर वापस से खोला और नमक डाला। और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी ये कुटा हुआ धनिया, बस ये सब डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और उसके ऊपर लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो खाते नहीं हरा धनिया, तो मैं मसाले के टाइम पे डाल देती हूँ। और अब इस पर लगा देंगे ढक्कन, ढक्कन लगने के बाद ये पक जाएगा, तो उसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। मसाला तो अच्छे से पक चुका है, बट ये आलू मिक्स करने बाकी है, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और एक साइड मैंने रखा है पानी उबालने के लिए, मैं गर्म पानी इसमें डालूंगी तरी बनाने के लिए, तो इसमें अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाते हो।
बस अब सब्जी का मसाले का काम खत्म हो चुका है, अब लगाएंगे ढक्कन और इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। साथ में मैं खीर देख रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे से पक गई है। और यहाँ पे जैसे ही टाइम मुझे मिला फटाफट से मैंने तेल गरम किया है पूरी के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा सेट कर लिया है पूरी का सामान, और पूरी बनानी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। सब्जी भी बन गई है, तो अभी बजे हैं शाम के 6:30। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी खाना बना लिया है क्योंकि बच्चे सोए थे, तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और फटाफट से अपने व्रत का खाना बना लिया। ये व्रत का मेरा ही नहीं, हम सबका ही खाना है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी खा लूँगी, मैं और बच्चे, बाकी सब लोग बाद में खाएँगे। और ये देखो एकदम फूली फूली पूरी बनी है, इसको देख के मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन पहले मैं पूजा करूँगी उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और बस इस तरीके से मैंने सारी पूरियाँ बना ली है 3-4 जनों के लिए अपने, और बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी। और ये थाली मैंने अपने लिए रेडी की है जो कि मैं पहले भोग लगाऊंगी भगवान जी को और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए भी थाली रेडी कर दी है, वो लोग भी मेरे साथ ही खाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।